अरुण जी, जी मुझे ना सुबह उठ के एक बहुत बुरी आदत है। सुबह उठते ही मैं मोबाइल चलाने लग जाता हूँ। उसके वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, मूड खराब रहता है और बहुत स्ट्रेस फील करता हूँ। तो उसके वजह से मुझे क्या करना चाहिए? जी देखिए, सुबह उठ के मोबाइल देखना, मोबाइल चलाना, ये आज की जनरेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें सुबह उठ के क्या करना चाहिए? जैसा कि हमारे विष्णु पुराण के अंदर ये श्लोक आया हुआ है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, जो हमारा हथेली का अग्रभाग है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। तो हमें लाइफ के अंदर जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो रहती है फाइनेंस की, वित्त की, इनकम की। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी यानी कि हथेली के अग्रभाग के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है, तो हमें हथेली के अग्रभाग का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद श्लोक के आगे आया हुआ है, कर मध्ये सरस्वती, यानी कि कर यानी हथेली के मध्य भाग में माता सरस्वती का वास होता है। अगर हम धन अर्जित कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, इनकम हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन हम पैसे को संभाले कैसे, हमारे विचार कैसे अच्छे हो, हम अपनी दिनचर्या को कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हमें माता सरस्वती का यानी कि विद्या की देवी का आशीर्वाद चाहिए। तो कर मध्ये सरस्वती। तीसरा श्लोक का पाठ आ जाता है, कर मूले तू गोविंद, यानी कि जो हथेली का मूल भाग है, अंतिम भाग है, यहाँ पे वहां पे भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। तो कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, यानी कि प्रभात यानी कि सुबह के समय हमें हथेली का दर्शन करना चाहिए। हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का, हथेली के मध्य भाग में माता सरस्वती का, और हथेली के मूल भाग में भगवान श्री कृष्ण का वास माना गया है। तो सुबह उठ के बजाय मोबाइल चलाने के, सुबह हमें हथेली का, हमें अपने हाथों का मन से, दिल से दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता सरस्वती का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके विचार अच्छे होंगे, आपका दिमाग अच्छी दिशा में, सही दिशा में दौड़ेगा, और आपके निर्णय सही साबित होंगे। और करमूले यानी कि हथेली के अंतिम भाग में भगवान श्री कृष्ण का वास होने से, दर्शन करने से हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बहुत शुभ होगा।